अरे भाई राम भाई क्या कर रहे हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास देख लीजिए ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जो कि नया वर्जन है, एंड ये रहा ओल्ड वर्जन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का। दोनों 350 हैं, तो एक ओल्ड और नए में हम आज एक कंपैरिजन और ड्रैग रेस करने जा रहे हैं। दोनों का जो इंजन है एकदम डिफरेंट है, मॉडर्न टाइप है। ये ओल्ड वाला है, ओल्ड स्कूल, जो थोड़ा डग 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 करता था, और ये स्मूथनेस के मामले में तगड़ी है। हमारे साथ में है राम भाई, इनका वेट जो है मेरे बराबर ही है। इनका चैनल है सोलो ट्रैवलर, जाके इनको सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बाकी देख सकते हैं दोनों बढ़िया लग रही है, प्यारी लग रही है। चलिए इन दोनों का हम ड्रैग करेंगे। आज हम अपने मतलब 5 kg कम है बस, उनसे करने जा रहा हूँ रेस। देखते हैं क्या निकल के आता है रिजल्ट, और आप देख सकते हैं रिजल्ट तो वैसे मेरे को लगता है इसका फेवर में जाएगा, क्योंकि अभी मैंने चलाया और बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो चलिए चला के दिखाते हैं आपको कौन सी बेस्ट है इस टाइम में, कौन सी बढ़िया है। मॉडर्न टाइम आ चुका है, तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से बाइक्स भी बनती जा रही है, रिफाइंड होती जा रही हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन जीतती है कौन हारती है। चलिए स्टार्ट करते हैं राम भाई के साथ। बाकी प्राइसिंग एंड पावर आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस एंड देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। भाई क्या भाग रही है भाई साहब, नई वाली का पिकअप तो ज्यादा है, तगड़ी भाग रही भाई। कितने पीछे ला गया वो, ये पावर किए है भैया रॉयल एनफील्ड ने, बहुत पीछे रह गया भाई अपना, देख सकते हो। क्या पिकअप लिया है भाई इस गाड़ी ने, मजा आ गई। अब लगा है मेरा छठा गियर एंड भाई बहुत पीछे है भाई, कसम से मजा आ गई इस गाड़ी में, मजा है। आने वाली बुलेट में जो दिक्कत थी वो यही थी कि मतलब थोड़ी देर बाद रेस पकड़ती थी, बट नई वाली का पिकअप थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मेरा और कुंदन का वेट सेम है, लगभग 80 किलोग्राम के आसपास उसका भी वेट है, 80 केजी मेरा भी वेट है, बट उसके बाद भी वो गाड़ी आगे निकल गई है। कोई फायदा नहीं है, बहुत पीछे रह गए, गाड़ी को स्लो कर लेते हैं। तो ये ड्रैग बनाई एक तरीके से, हम लॉन्ग रेस नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई गाड़ी बहुत पीछे, ज्यादा तेल जला के क्या फायदा। तो भैया रिजल्ट तो एकदम तगड़े थे क्या भागी है भाई, एकदम तगड़ी भागी है। चलो राइडर चेंज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होते हैं राइडर चेंज करने के बाद। तो अभी राइडर चेंज करेंगे हम लोग, एंड मैं चलाता हूँ, देखता हूँ कुछ कर पाता हूँ कि नहीं, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल, कुछ उखाड़ पाता हूँ कि नहीं। बाकी पैराग पीछे है, इसका वीडियो भी आने वाला है, स्टे ट्यून। अब अपन चलाएगा ये डुक 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 डुक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेस। अरे भाई ये तो भागी नहीं, क्या बात निकली है वो, बहुत तगड़ी निकल गई। ओ भाई साहब ये देखिए आप, क्या निकली गोली की तरह, लेकिन हम पकड़ेंगे। ओ भाई ये क्या था, उल्टा आ रहा है भाई, कैसे भाई पीछे आ रहे हैं। पीछे हूं मैं बेटा, भगाओ गाड़ी अपनी। अरे भाई राम भाई क्या कर रहे हो, राम भाई तो पीछे चले गए। ओ भाई मैं पांचवे गियर में, ओ भाई आगे निकल गई। राम भाई को कुछ करना पड़ेगा लॉन्चिंग में। तो भाई राम भाई का वेट मेरे से बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, 5 kg कम है सिर्फ, मैं 85 हूँ वो 80 है, एंड वो कितने पीछे है अभी मुझे नहीं पता। नहीं है। और ये गेस्ट आगे निकलते हुए,
मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं बहुत आगे हूँ क्या, बहुत ज़्यादा आगे नहीं हूँ लेकिन आगे हूँ। मजा आ गया, यस। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, पूछते हैं ये क्या हो गया भैया। भाई टॉप स्पीड सेम है दोनों की, टॉप स्पीड सेम है लेकिन पिकअप में निकल जाती हो, पिकअप इसका इनिशियल तगड़ा है, लेकिन अगर पिकअप में तुमने एक बार निकाल दी तो पीछे नहीं जाना चाहिए था। हाँ क्या जी, अच्छा मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं था, बराबर थे तो अभी इनिशियल अच्छा है, टॉप स्पीड लगभग सेम है लेकिन इनिशियल इतना ज़्यादा है इसका इसके कंपैरिजन में कि ये गाड़ी बहुत आगे निकल जानी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, सेफ हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, इस तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी। और अगर भाई को चाहते हो कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो भाई इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो, हैंडल आ रहा है डिस्क्रिप्शन में भी, लिंक दिया हुआ है। चलिए बाय बाय।